टनल के अंदर जाम। गुगलू आए कितना प्यारा नाम है गुगलू। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो नेक्स्ट व्लॉग जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं, सेकंड व्लॉग है अभी जो है। हम क्लाउड कैफे जंगल गली में वहाँ पे हैं, और अभी आपने जो पहला व्लॉग है उसमें देख लिया होगा, मैंने इसका थोड़ा सा व्यू दिखाया। एक बैठने की जगह यहाँ ऊपर है, फिर यहाँ से नीचे हम आके यहाँ पे भी ऑर्डर दे सकते हैं। यहाँ पे आई थिंक कैंप शैम्प रखा हुआ है उन्होंने। जब भी कोई अगर ट्रैकिंग के लिए आता है तो यहाँ पे ये जो स्पेस प्रोवाइड करते हैं, और खाना शाना भी मिलता है यहाँ पे। और बाकी ये है कि ठंड काफ़ी ज़्यादा, हल्की हल्की बारिश हो रही है, और ये है कि मज़ेदार है। और इनका कुछ नीचे वहाँ पे भी है तो आपको देखने को मिलेगा। हम वहाँ पे भी जाएंगे अभी, पहले कुछ खा लेते बिकॉज भूख काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है, और जो है ठंड लग रही है, तो पहले जो है वो चाय पियेंगे, थोड़ा सा गर्म होंगे। और यहाँ पर बॉर्न फायर भी शायद है, तो वहाँ पर थोड़ा आग जो है वो सेकते हैं, थोड़ा गर्म होते हैं, फिर कुछ खाते हैं, फिर आपको यहाँ का जो है वो व्यू दिखाते हैं। तो हेलो एवरीवन, तो मेरे साथ है एक अंकल जी। तो ये ना प्लैटिनियम पे क्या करते हैं, सोलो राइड करते हैं, और ये खुद ही बताएंगे कि इन्होंने आज तक कितनी कितनी जो है सोलो राइड की है और कौन कौन सा सर्किट कम्प्लीट किया। तो अंकल प्लीज़ बताएं, अपना नाम बताएं और अपना जो आपने जितनी राइड की है तो वो बताएं प्लीज़। देखिए राइड तो मैं काफ़ी देर से कर रहा हूँ, मेरा नाम है राकेश कुमार, जम्मू से हूँ मैं। तो मैं सोलो राइड ही ज़्यादातर करता हूँ जी। तो मैंने काफ़ी सारी राइड्स की हैं, जिनमें डूडू बसंतगढ़ का सर्किट है जी, वो मैंने चार बार किया हुआ है, वो टोटली ऑफ रोड है, और हाँ मैक्सिमम वो ऑफ रोड है, ऑफ रोड है। और रियासी का जो सर्किट है वो मैंने काफ़ी बार किया हुआ है, भामला से ये वाला सर्किट में तकरीबन 10-12 से ज़्यादा हो कर चुका हूँ। ये तो और ब्यूटीफुल है वो वाला सर्किट है। और भद्रवाह भी मैंने एक ही दिन में अप डाउन किया हुआ है। अच्छा, बाइक पे सही है। तो और भी काफ़ी सारे काफी बात ऐसा है कि मैं सोलो इसलिए करता हूँ, मुझे कभी कभी मन भी होता है कि कोई साथ में चले, लेकिन जहाँ तक मैं सुबह सुबह निकलता हूँ तो एक दो अपने फ्रेंड्स को मैं फोन भी करता हूँ, तो लेकिन वो अच्छा कोई आता नहीं है साथ में, जल्दी साथ में कोई आता नहीं है। वो बाइकर का एक ना, वो बाइकर ही समझ सकता है, बाकी कोई नहीं समझ सकता, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है मैं भी मतलब मोस्टली सोलो करता हूँ, और कभी कभी फ्रेंड्स मिल जाते हैं, जैसे आज मेरे साथ उज्ज्वल आ गया, तो ये भी मतलब हम आ जाते, नहीं तो मोस्टली मैं भी सोलो राइड करता हूँ। बाकी आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा। तो आप भी आपने मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने जो एक वीडियोस बना के ना YouTube पे डाला करें। नहीं, वीडियोस तो मेरे पास मैं शूट करता हूँ, लेकिन अभी वो सब मेरे पास ही वो जो है वो खजाना पड़ा हुआ है, लेकिन कभी मैंने वो मैं चाहता हूँ कि आप भी ना उसको YouTube पे अपलोड करो, ताकि आप जो आप देखते हो ना, जो आप फील करते हो, वो बाकी भी जो है वो फील आगे भी पता चलेगा। थैंक यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। तो अभी हमारा जो चाय और ब्रेड ऑमलेट है वो आ गया है, और हमने मैगी और कलाड़ी कुलचा है, जो कलाड़ी है ना, कलाड़ी कुलचा वो ऑर्डर किया, वो तब तक आता है, तब तक हम ये खाते हैं। और यहाँ पे ठंड बहुत है, बट मज़ा है, मतलब यहाँ पे आना वर्थ है यार, सच में। हमने इतना ट्रैवल करके आए, इतना ऑफ रोड मिला, अब बारिश भी मिल रही थोड़ी थोड़ी, बट ये है मज़ेदार है, अनएक्सप्लोर्ड जगह। मैंने बोला था आपको ऐसी अच्छी जगह लेके जाऊंगा ना, जहाँ पे बड़े कम लोग गए, और जिनमें से हम भी एक कम लोग है ना, जिनमें से हम दोनों भी हैं, शायद हमें देख के और भी आए, हाँ हमें देख के कोई और भी आएगा, तो बट ये है अच्छी जगह है। अगर आप, मैं बोल रहा हूँ, अगर विंटर्स में तो ज्यादा ठंड होती है, अगर समर्स में आओगे ना तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। बाकी मेरे को ठंड बहुत ज्यादा लग रही है। अगर चाहते हो कि ऐसे अनएक्सप्लोर्ड जगह देखना, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ये और भी काफी वीडियोस आने वाली है अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन, हाँ अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन की ओर आने वाली। बाकी यार सब्सक्राइब कर दो, और मेरे को ठंड लग रही है, मेरे को बोलने भी नहीं हो रहा, तो मैं चाय पीता हूँ, थोड़ा गर्म होता हूँ, फिर मैं आपको व्लॉग जो है वो कंटिन्यू करता हूँ आगे। अपना बारिश काफी ऐसा ऐसा तेज हो रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम यहाँ पे एक घंटा और रहे ना, तो बारिश के साथ साथ स्नोफॉल भी हमें देखने को मिलेगी।
और लोकल भी जो है अभी हमें कैफे का जो वेटर था तो उसने ये भी कहा हमें कि अगर बारिश ज्यादा रही तो ये होगा कि स्नोफॉल भी हमें मिल सकती है। बाकी यार मजा आया, ठंड इतनी लग रही है लेकिन फिर भी मजा आ रहा, काफी जगह अच्छी है और यहाँ का जो खाना है वो भी अच्छा ही है। और मैगी के बाद हमारी आ गई है ब्रेड कलाड़ी, ये खाते और फिर हम आपको मिलते। और ये जो है क्या नाम है तेरा, ये गुगलू, आए कितना प्यारा नाम तेरा गुगलू, गुगलू ने ये हमारे लिए ब्रेड ऑमलेट ब्रेड कलाड़ी लाई है और ब्रेड ऑमलेट भी लाया इसने। और बताओ ये सबको बताइए, यहाँ पे सभी आओ, बोलना सभी आओ, इधर जोर से बोलना सभी आओ। कौन सी जगह का नाम क्या है ये? जंगल गली क्लाउड कैफे है ना। आप सभी यहाँ पे आओ और यहाँ पे आपको गुगलू मिलेगा, जो बहुत गुगलू तो है नहीं, गोल गोल तो है नहीं, पतला सा है। आओ गुगलू के पास, यहाँ पे इसके हाथ के बने, तूने बनाए किसने बनाए? गाना बंद करना है। गुगलू तो तूने क्या बनाया, ब्रेड ये कलाड़ी बनाई है? तूने कलाड़ी बनाई है? पक्का मजा आएगा, ठीक है। गुगलू ने बनाई कलाड़ी तो आप खाते देखते हैं गुगलू का स्वाद कैसा है, इसके हाथ का स्वाद। और अभी हम जो है चाय, मैगी, ब्रेड ऑमलेट और कलाड़ी खा के, ब्रेड कलाड़ी खा के अब हम नीचे आ रहे हैं वापस यहाँ पे। यहाँ पे भी बैठने की जगह है, यहाँ पे भी बैठने की जगह है, और ऊपर जहाँ पे हमने बैठ के खाया तो वहां पे भी बैठ के खाने वाली जगह है। हाँ हाँ, और यहाँ पे अभी काम चल रहा है और अभी हम जाएंगे इसके ऊपर, इसके ऊपर बैठेंगे और तो अच्छी अच्छी फोटोग्राफ्स जो है वो क्लिक करवाएंगे। और बाकी रास्ता देखो कैसा है। चलो उज्जवल जी, हाँ क्यों नहीं है, बनाया है इन्होंने तो अच्छा ही होगा, चढ़ने लायक ही होगा। उज्जवल गया, मैं भी ऊपर जाता हूँ, बैठते हैं वहाँ पे गप्पे लगाते हैं। ठीक है, उज्जवल ऊपर चला गया, अब मैं भी यहाँ से जो है ऊपर जाऊँगा। अब इसकी गारंटी नहीं है हमारे पास कि ये कितनी देर रुकेगा, इसकी इनॉग्रेशन हमने की है। बारिश भी है, जो है वो हल्की हल्की हो रही है, अब थोड़ी सी तेज़ भी मुझे लग रहा है कि हमें मिलेगी, बट हम ये है कि हम ये नहीं चाहते कि हम यहाँ पे फंस जाएं बारिश की वजह से, तो हम क्या कर रहे हैं हम यहाँ से निकलने लगे, बस एक एक कप चाय का और पीते, पेमेंट करते एंड देन हम उसके बाद निकल चलते हैं, अपनी जो राइड है वो कंटिन्यू करते हैं। अभी हमें यहाँ से तो 5-6 किलोमीटर जो है ऑफ रोड मिलेगा, अभी ऑफ रोड करके। हाँ गंदा वाला ऑफ रोड आपने वो पहले वाले व्लॉग में देख लिया होगा, तो गंदे वाला ऑफ रोड मिलेगा यहाँ से ऑफ रोड करके, पहले चाय पीते हैं फिर ऑफ रोड करते हैं ये वाला गंदे वाला, फिर हम सीधे जो आगे है अपनी राइड कंटिन्यू करते हैं। तो हम निकल चुके हैं अपना क्लाउड कैफे से, हल्की हल्की जो है वो बारिश हो रही है। पंजी क्या हाल चाल है, ठीक हो? और आप अभी तक अगर मेरी वीडियो देख रहे हो ना तो यार लाइक कमेंट तो ज़रूर कर देना, और अगर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो पे आए हो तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ना। और यार ये नीचे व्यू देखें यार, खतरनाक है यार, और जो सामने वाले पहाड़ हैं वो सारे फॉग से ढक गए। यहाँ पे लिखा है 3 वाटरफॉल हिडन नेचुरल पूल, अब है कहाँ पे, कहाँ पे, कहाँ वाटरफॉल का है? अच्छा ये बारिशों के टाइम होता है, अच्छा अच्छा, एक ये होगा एक वो है तीसरा का है उसी के बीच में, अच्छा वो सामने, ठीक 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 ठीक, सही है, जगह अच्छी है। वहाँ पे अगर आपको दिखा नहीं होगा तो ये ऐसे वाला है वाटरफॉल जो नीचे है सामने, अच्छा लग रहा है, गर्मी में आएंगे आएंगे भैया गर्मी में इधर। तो हम वापस से बांसा मोड़ पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हम खाएंगे शर्मा कैफेटेरिया में कलाड़ी, ठीक है 2 कलाड़ी कर दो और 2 चाय, ठीक है मीठा कम रखना चाय में, अदरक डाल,
हाँ मीठा कम, अदरक डालना ठीक है। तो यहाँ की बांसा मोड़ की हमने कलाड़ी और चाय लिए, उज्जवल बोरा बहुत ही यहाँ की फेमस है ना, फेमस है और क्या, बहुत फेमस है, बाइक दिखा दो। टेस्टी है ना, बताना एक मिनट। देखो यार इसका, वाह चीजी चीजी है, ठीक है। और हमारी और बाइक्स, ठीक है लो। खतरनाक वापिस हम पहुंच चुके हैं मंथल, अब यहाँ से हम सीधा हाईवे कनेक्ट करके वापस को जो है जम्मू जाएंगे। अब मैं चलाऊंगा ये मशीन, दमदार मशीन चलाएगा अपन, अभी मजा आएगा रे भिड़ो। ये जो मेरे को लोग बोलते रहते ना कि यार तू क्या ब्लॉग करता है, जब ऐसा ऐसा बाइक चलाता है इतना वो मजा नहीं आता तेरे बाइक जब तू मोटो ब्लॉग करता है, तो ये थोड़ा सा उनके लिए। ओहो टनल के अंदर जाम, टनल के अंदर जाम क्यों है? जाम पूरा आके लगा हुआ, ये जाम क्यों लगा हुआ, जाम क्यों लगा है, जाम पता नहीं आगे तक है, कोई गाड़ी खड़ी तो नहीं, वो खराब शराब हो गई, एक्सीडेंट हुआ पता नहीं क्या मतलब। हम इधर ही घूम के आए, राइड पे गए थे, ये कैमरा कैमरा लगा, कैमरा वीडियो बनाते हैं, हाँ आराम से चलते हम पूरा गियर शील डाल के, हाँ यार जाम किस चीज का लगा वो नहीं समझ आ रहा ना, हाँ निकल जाएगी, ये बंद करने पड़े, लेट्स ट्राई निकलेगी या नहीं निकलेगी। पांच मिनट वेट करने के बाद जो है ट्रैफिक वो खुल गया। अच्छा तो ये था आई थिंक यहाँ पे ये जो ये काम चल रहा है इसी की वजह से जो है ये इतना सारा जाम था। अब काम करके आ रहे थे, ये समझ नहीं आ रहा कि काम के चल क्या रहा है। ओके 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 ओके, ये जो है यहाँ पे टनल के अंदर से काम चल रहा है, ये डैश भाई यहाँ पे टनल के अंदर इतना जाम लगा हुआ है। यार उज्जवल की बाइक चला के ना मजा आ गया यार, काफी टाइम के बाद जो है मैंने एक मिनी सुपर बाइक चलाई है, मज़ा आ गया चलाने का। अगर आज की राइड के बारे में बताऊं तो यार आज की राइड ना बहुत ही मस्त रही, बहुत ही अमेजिंग रही, एक अनएक्सप्लोर्ड जो जो प्लेस है उसको हमने एक्सप्लोर करा, और रोड बीच में हमें ऐसे मक्खन रोड भी मिली, ऑफ रोड भी मिली, हर टाइप की रोड, बजरी वाली रोड, किचड़ वाली रोड, हर रोड से हम गए, बट राइड का मज़ा आया, जगह का मज़ा आया, जो हमने खाया पिया उसका मज़ा आया। ओवरऑल देखा जाए तो आज का जो डे है मस्त गुजरा हमारा। तो ठीक है यार, जो मैं सही सलामत जो है घर पहुंच गया था राइड कंप्लीट करके, काफ़ी मज़ा आया, अनएक्सप्लोर्ड जगह थी उसको इसको एक्सप्लोर किया, काफ़ी मज़ा आया। आई होप आपको भी जो है दोनों व्लॉग पसंद आए होंगे, लास्ट जो एपिसोड है वो भी आया होगा और ये वाला भी पसंद आया होगा। अगर आपने वो वाला नहीं देखा तो पहले वो देख लें, फिर आप ये देखें, फिर आपको मज़ा आएगा, पता चलेगा कि मैं किस जगह पर गया था। तो चलो यार आज के ब्लॉग में इतना ही, आई होप आपको आज का ब्लॉग जो है पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, और प्लीज़ अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी बढ़िया से ब्लॉग में, टिल देन आप खुश रहें, सेफ रहें, अल्लाह हाफिज़। वो बोले शब्दों का खेल तेरे बस का नहीं, इस फील्ड में तेरे कोई रास्ता नहीं, ये कलम तेरे हाथ में जचता नहीं, और तू रैपर दिखता नहीं, मैं दिखता नहीं पर आग हूँ, हाँ थोड़ा सा मैं बेराग हूँ, जब कल मेरे हाथ में लिख दूंगा तब चल सही से सुन अल्फ़ा।